गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सो गाइज जो मेरा आज का वीडियो है उसमें मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन के आई लाइनर। ये मेरे ब्लू हेवन के आई लाइनर जो मेरा रिसेंट परचेज है, जिसने मेरा अफोर्डेबल मेकअप हॉल नहीं देखा, जाओ जाकर देखो क्या कर रहे हो अब तक। उसमें मैंने ये परचेज किए थे तो आप लोगों के काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे। मैंने पूछा था कि आप लोग चाहते हो उसका रिव्यू, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बोला था हाँ जी चाहते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आपको जो भी पार्ट देखना हो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस ब्रांड के बारे में। तो ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है, हाँ जी ये एक इंडी ब्रांड है, तो आपको ईजिली आपके इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको ईजिली मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा आपको, एंड आपको नायका पे भी अवेलेबल है ब्लू हेवन, एंड ब्लू हेवन का खुद का वेबसाइट भी है। बट ये मैंने कफ्स एंड लैशेस से मंगवाए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें टोटल 4 शेड्स आते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन। मैंने 2 शेड्स मंगवाए हैं ब्राउन एंड ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक नहीं मंगवाया जस्ट बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी उन शेड्स की। मेरे पास ऑलरेडी आई लाइनर है उन दोनों शेड्स के, इसलिए मैंने नहीं मंगवाया। ये जो आई लाइनर है वो न्यू लॉन्च नहीं है, ब्लैक आई लाइनर पहले आ चुका है इनका, मतलब सेम पैकेजिंग एवरीथिंग सेम पहले आ चुकी है, बट अभी जो 3 शेड्स हैं वो न्यू आए हैं। बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की, तो कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल है, सेम जो आपकी नेल पेंट्स की पैकेजिंग होती है ग्लास बॉटल होती है उसी तरीके की सेम पैकेजिंग है। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 7 ml। जैसे मैंने प्राइस आपको बताया 55 रुपीज़ का, बट आपको ईजिली 50 या 45 रुपीज़ तक का आपको मिल जाएगा आपकी मार्केट में, जो भी लोकल मार्केट का आपका प्राइस होगा। 7 ml इसका प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। ये जो आप देख रहे हो वो ग्रीन कलर है, मैं ऑलरेडी अपनी आईलेट्स पे अप्लाई कर चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। इसकी जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है, काफ़ी ईजिली अप्लाई कर सकते हो, ग्रिप इससे काफ़ी अच्छी बन जाती है। अगर आप बिगनर हो, आपको ड्रामेटिक आईज करना पसंद है, ड्रामेटिक आई लुक करना पसंद है, आप कुछ इस तरीके की लाइंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्राउन के ऊपर ब्राउन के नीचे ग्रीन करी है, ग्रीन के नीचे ब्राउन करी है, कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग करनी है आई लुक में, तो दिस इज़ द परफेक्ट आई लाइनर। बात करते हैं इसके कलर पे ऑफ की, तो एक स्वाइप में ये कितना कलर देता है जैसे कि आप देख सकते हो। एक स्वाइप में इसने काफ़ी अच्छा खासा कलर दे दिया है, मतलब आपको एक ही जगह पे बार बार शेड अप्लाई नहीं करना है, एक ही जगह पे बार बार आईलाइनर अप्लाई नहीं करना है। इससे क्या होगा, एक थिक लेयर क्रिएट नहीं होगी। एंड अगर आप पतला आईलाइनर लगाना चाहते हो तो वो पतला ही लगेगा, बार बार आप लगाते हो तो वो मोटा होता जाता है, मतलब बोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप पतला चाहते हो तो आप इजीली इससे पतला आईलाइनर लगा सकते हो क्योंकि इसका कलर पे ऑफ अच्छा है। दूसरी बात, काफ़ी जल्दी सूख जाता है। टॉकिंग अबाउट द इंग्रीडियंट्स, इसकी पैकेजिंग पे, आउटर पैकेजिंग पे, इनर पैकेजिंग पे एज सच कोई भी इंग्रीडियंट मेंशनड नहीं है, सिंगल इंग्रीडियंट इन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ। बात करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ की, तो 3 साल की शेल्फ लाइफ है, अच्छी खासी है। मतलब अगर आप इसको अच्छे खासी से यूज़ करेंगे तो 3 साल काफ़ी होते हैं एक आईलाइनर के लिए। बात करते हैं कि ये आईलाइनर वाटरप्रूफ है या नहीं, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है आईलाइनर वाटरप्रूफ है, मतलब 55 रुपीज़ में वाटरप्रूफ आईलाइनर अगर किसी को मिल जाए तो क्या बात होगी। लेकिन ये वाटरप्रूफ आईलाइनर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वाटर रेजिस्टेंस आईलाइनर है बट वाटरप्रूफ नहीं। अगर आप इस पर पानी डालोगे तो हाँ ये हटेगा नहीं, बट अगर आप इसको हल्का सा रब करोगे तो एकदम साफ हो जाएगा। तो या वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस आईलाइनर जरूर रहिए। ओके, सो ऑन दैट नोट सम पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि 55 रुपीज़ का है, तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, अल्ट्रा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इसका जो क्वांटिटी है वो भी अच्छा है, 7 ml का क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, तो यू कैन श्योरली गो एंड इन्वेस्ट ऑन इट, मतलब इंडी ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ब्लू हेवन काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है। सो इफ आप चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, इसकी पैकेजिंग इज ऑन पॉइंट, अगर आप इसको ट्रेवल करते वक्त भी इसको साथ ले जाते हो तो टूटने फूटने का डर नहीं रहता। ग्लास बॉटल है मानती हूँ, बट इसकी पैकेजिंग ऐसी नहीं है कि टूट जाएगी इजीली। नंबर 5 इज दैट कि आपको इसमें 4 शेड्स मिल रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्राउन, तो चारों शेड्स काफ़ी अच्छे शेड्स हैं। इस प्राइस रेंज में मैं आपको बोल रही हूँ ना, 55 रुपीज़ में दिस इज अ विन विन प्रोडक्ट, तो यू शुड गो एंड बाय दिस। एंड ऑन अनदर साइड इस पर कोई भी इंग्रीडियंट्स मेंशन नहीं है, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जस्ट बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं इसके इंग्रीडियंट्स ज़रूर देखना चाहूँगी 55 रुपीज़ में इन लोगों ने क्या इंग्रीडियंट्स लगाए हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ पे कोई भी इंग्रीडियंट्स नहीं दिखे। द सेकंड पॉइंट इज दिस कि इन लोगों ने वाटरप्रूफ मेंशन किया है, वाटरप्रूफ नहीं है बट हाँ वाटर रेजिस्टेंस है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है ये कि आप इसको लो नहीं। मैं एक्चुअली इसमें चेक करी थी कि इसमें अगर कोई पेपर हो, बट इसमें कोई ऐसा पेपर नहीं है, मैं इंग्रीडियंट्स चेक करना चाह रही थी। सो या वाटरप्रूफ मतलब ना होना इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप 1000, 2000 या फिर 500-600 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस पर। सो या विन प्रोडक्ट है, जाइए लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जहाँ से मैंने परचेस किया। कफ्स एंड लैशेस से मैंने लिया है, नायका पे भी शायद अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ब्लू हेवन की खुद की वेबसाइट है जहाँ से आप इसको ले सकते हो। सो या दैट्स इट। प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई और अगर रिव्यू चाहते हो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी अदर चीज़ का रिव्यू चाहिए, ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ये भी बताना। अगर कुछ भी नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। डिसलाइक करने का रीज़न बता के ज़रूर जाना। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सकें। या थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।